चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्या सीखने वाले हैं? क्लास टेंथ है, उसमें से चैप्टर नंबर 7 है, निर्देशांक ज्यामिति मैथ्स में, और एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। ये जो बिंदु दिए हैं हमें, क्या वो संरेखी है? संरेखी का मतलब क्या होता है? ये त्रिभुज में तीनों त्रिभुज के बिंदु उन्हों है, जो त्रिभुज के त्रिभुज बनता है उसके बिंदु हैं। तो यहाँ पर जो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, जो ये यहाँ पर बिंदु बने हैं तो वो तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर, जैसे ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा तीनों, तो ये संरेखी है। और जब नहीं है बराबर तो संरेखी नहीं है, तो इसलिए हम नाम देते हैं इनको, दिया है, गिवन दे दिया क्या है, हमारे पास बिंदु दिए हैं, बिंदु ए 1 और 5, दूसरे बिंदु को बी नाम दिया मैंने, बिंदु बी 2 और 3, तीसरे को सी, बिंदु सी -2 और 11, ये गिवन डेट है, दिया है। अब देखिए आप, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा क्वेश्चन इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा क्वेश्चन इधर है, तो जरा इसको देख, यहां पर हो रहा है इसका। अब देखिए आप, एबी की दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र याद है आपको, तो उससे आप यहाँ पर दूरी का सूत्र लिख सकते हो। एक बार जो दूरी का सूत्र होता है वो क्या होता है, x2 - x1² + y2 - y1² तो अब यहां पर जो ये 1 है और ये y2 है, x1 y1 x2 y2, तो यहां पर आप समझ सकते हो, लेकिन अब लिखेंगे नहीं, अपन डायरेक्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए, ये x2 होगा 2, तो यहां पर रख रहा हूं मैं 2 - 1² क्योंकि ये x1 है, प्लस y2 क्या है 3 और y1 क्या है 5, तो -5। अब यहां पर देखिए, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहां पर 1, 5 में से 3 गया तो -2 बचेगा, लेकिन -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहां पर कितना आ गया √5। अब आगे देखिए आप, बी और सी की दूरी निकालेंगे, बी और सी बिंदु की, इसी प्रकार हम बी और सी की, यहां पर इसी प्रकार लिखिए और चालू रहने दीजिए ये काम जो चल रहा है। बी सी की दूरी निकालेंगे इस बार, तो ये और ये बिंदु देखिए, अब यहां पर x2 ये है, तो इस बार क्या करेंगे अपन, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए x1, तो यहां पर देखिए आप, 2 - यहां पर 2 है और यहां पर -2 है, तो -2 क्या हो जाएगा प्लस, आपको पता है। अब यहां पर देखिए y2 क्या है 3 और y1 क्या है -11, इस पूरे का स्क्वायर है, तो आप देखिए 2 और 2 = 4, 2 और 2 कितना होता है 4, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, और यहां पर 3 और 11, क्योंकि ये -2 जो है वो प्लस हो जाएगा, और 3 और 11 कितना होता है 14, और इनका स्क्वायर निकालना है, तो यहां पर स्क्वायर तो निकाल दिया था, यहां पर देखिए 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16। अब यहां पर देखिए 11 और 3 = 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो यहां पर इसको देखिए अब जोड़ेंगे 6 और 6 = 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 9 और 1 = 10 हो गया हासिल 1 है हमारे पास, तो ये कितना हो गया 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2,
तो ये 196 और 16 को जोड़ा तो कितना आया 212 रूट में। अब किसका निकालेंगे, सी ए का, सी और ए को देखिए, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं अपन, जमा कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी। तब ए सी को देख लीजिए, यहां पर इसको मान लेते हैं एक्स टू, तो एक्स टू वन को माना और एक्स वन किसको माना, माइनस टू को, तो ये माइनस, ये माइनस टू। इसके बाद वाई टू क्या है, ये है पांच, माइनस वाई वन क्या है, माइनस का ग्यारह, तो इसका स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो यहां पर देखिए ध्यान से, एक और दो तीन, तो तीन का वर्ग कितना है नौ, पांच और ग्यारह सोलह, तो सोलह का वर्ग कितना होता है 256, ये आप वर्ग याद कर लीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 265 आएगा रूट में, क्योंकि छह और नौ कितना होता है 15, 15 का पांच, हासिल आया है तो हासिल एक है, तो उसमें पांच में जोड़ दिया तो छह हो गया, ये दो एज इट इज। तो कितना है हमारे पास जो मान निकल के आए हैं, ये रूट पांच आया, ये रूट 212 आया, रूट 256 आया। मतलब क्या हो रहा है, जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु सरलेखी है, तो नहीं है सरलेखी, तो आखिरी में क्या लिखना है, नहीं है सरलेखी, नहीं है, अदा कर कर लिख सकते हो आप सरलेखी नहीं है, बिंदु बिंदु सरलेखी नहीं है, अतः क्या लिखना है आपको, अतः बिंदु, दिए गए बिंदु सरलेखी नहीं है। और भी इस क्वेश्चन में डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो वीडियो को पूरा देखने के बाद।